नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। यहाँ पे बाबा जी के भक्त उपस्थित है। आज लाखों की तादाद में बाबा जी के भक्त आए जा रहे हैं, तो जानते हैं उनके भक्तों से कि क्यों आ रहे हैं, वो उनको क्या मिलता है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडम, आपका नाम? धन्नी माता। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला भिवानी से। तो आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम आए आके भाई हमारे पति सुधर जा, हमारे बच्चा को भाई मालिक का नाम मिल जा। वो अपना नाम थोड़ी देते हैं बेटा, वो तो उस भगवान का नाम देते हैं, परमात्मा का। अब इससे जपने से तुमने सब कुछ मिलेगा। हम कदे जमाने में कोदरा निचोड़ के खाया करते थे, आज मेरे गुरुजी ने पेट भर खाना खिलाया, हमारे मकान बनवाए, हमारी आंसू आती थी, वो मेरे बादशाह पूंजी मारी आंसू हैं। और मेरे गुरुजी ने कह नहीं कराया, सब गरीबा के जो गर्भ में नौजवान बच्चे मरवाते थे, आज मेरे गुरुजी ने वो किन्ना बचाई, और वो ही किन्ना आज मेरे गुरुजी ने मरवा रही है। दूसरी बात, जो नौजवान फौजी हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, मेरे गुरुजी ने खून दिवाया और खून दिवा की, और आज वो नौजवान फौजी खड़े हैं दुनिया पर, देश ने देश का बीड़ा उठाया है बेटा। गुरुजी ने इसकी क्या क्या हुक्मा करो, कर नहीं सकते हमें कुछ भी। और आज गरीबा ने हमारे मकान बनवाए, दो रोटी का धंधा दिया, आज 4 लाख मजदूर बैठे हैं बेचारे भूखे मरते, और गुरुजी ने रोजी रोटी दे रखी थी उनका, परमात्मा से जोड़ा जिसने ये शरीर बनाया। हम लाख लाख सजदा करा मेरे गुरुजी का, जो परमात्मा का भेद बताया। और ये धरती माता जो अच्छे वीर योद्धा है तब ये धरती माता टिक रही है, और नहीं तो ये नुए चाली जागरण तो तैश तैश हो जाएगा बेटा एक दिन मैं देखती रहूँ। आज समाज को बाबा राम रहीम जी की कितनी आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, हम जहाँ जरूर हैं, लेकिन बाबा हमारे अंदर है, लेकिन उसकी ओर तो हमारी आत्मा तड़फ रही है, उदासी है चेहरे पर। हाँ, आज हमारे गुरु जी होंगे यहाँ, लेकिन जो नजायज फायदा दुनिया ने उठाया है ना, इस बात का भी जरूर निर्णय करेगा वो परमपिता।